was a black magic he had done on me completely, so that I should not leave him. पहले ही दिन जब ध्यान किया तो I saw very very dirty dirty things completely, very black that is going out. कुछ अलग गुरुओं को मैं मिला भी, जिसमें एक गलत गुरु के हाथ में मैं फंस गया, जो गाणगापुर के रहने वाले हैं जहाँ दत्त का निवास है उधर। और फिर डॉक्टर न्यूटन से मेरी मुलाकात हो गई, मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस ठीक होने के लिए डॉक्टर न्यूटन ने उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया। कि इन बिटवीन जो दूसरे गुरु के पास मैं गया था गाणगापुर के, उन्होंने मुझे वो गुरु चरित्र की पढ़ने की आदत लगा दी, जप माला और संध्या। तो वहाँ भी मैं सब जगह जाकर सवेरे जल्दी उठकर और वो नहाकर अगरबत्ती आसन वगैरह सब करके जाप करना, संध्या करना, गुरुचरित्र का पारायण करना, वो सब करता ही था। अर्ली मॉर्निंग भले 3 बजे 4 बजे उठकर वो करता ही था। आई वॉज ए स्टॉन्च ब्राह्मण, यू कैन से, जिसको कहते हैं कर्मठ, उस तरह का बन गया था। और वहाँ से फिर मैं जब इधर आया तो एट दैट टाइम डॉक्टर न्यूटन जब मुझे ये बता रहे थे, उस समय मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी समझ में आ गया। और उसके बाद में फिर एक वर्कशॉप किया मैंने डॉक्टर न्यूटन का इन बिटवीन, दैट वाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन का थेरेपिस्ट बनने का था, 6 डेज का। उस वर्कशॉप में मेरे मन से ऐसा कुछ निकल गया, एकदम ऐसा ब्लैक कलर का कंप्लीटली, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट। एंड उसके बाद लंच टाइम हुआ, तो लंच टाइम में मेरा मोबाइल मैंने जो ऑफ किया था उसको ओपन किया। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो वो गाणगापुर के जो गुरु थे उनका फ़ोन आया, एंड ही वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग ऑन मी, क्या कर रहे हो तुम, किस जगह हो, क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर उस समय मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफ कर दिया और तुरंत डॉक्टर न्यूटन को बताया ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने बोला को आपको कैसे लग रहा है, मैं बोला मुझे बहुत लाइट लग रहा है और ऐसा कुछ काला काला ऐसा निकल गया उसमें से। ही सेड वेरी गुड, यू सेलिब्रेट नाउ। तो लंच टाइम पर स्वीट डिश वगैरह देकर हमने सेलिब्रेट किया उसको। ही सेड आपके अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम था किसी ने डाला होगा, दैट हैज़ गॉन। मैं बोला फिर मैं गुरु क्यों ऐसे, बोले फॉरगेट अबाउट इट, आपको अच्छा लग रहा है ना, सो डोंट वरी। तो 6 दिन तक वहाँ पर जैसे जैसे रहा तो काफ़ी चेंजेस आए मुझे। और दूसरे दिन जब सवेरे उठा तो एज यूजल आई वॉज नहाकर वो जाप वगैरह करने की तैयारी में मैं बैठा। सरप्राइजिंगली मैं नहाकर तैयार हुआ, आई वॉज नॉट एबल टू टच दैट गुरुचरित्र का किताब, ना ही वो माला को मैं हाथ लगा सकता था। मैं ऐसे माला हाथ में लेता ऐसे बैठा रहता, 10-15 मिनट ऐसे चल रहा था। मेरा रूम पार्टनर बोला क्या कर रहे हो कुलकर्णी, तुम क्या हो रहा है। बोले यार समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। बोले छोड़ो अभी नहीं कर पा रहे हो ना, चलो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो वैसे रख कर हम लोग ब्रेकफास्ट पे गए, फिर से डॉक्टर न्यूटन को बताया, उन्होंने कहा यस अगेन सेलिब्रेशन कुलकर्णी जी। बोला कैसे सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि आप यू आर प्रमोटेड नाउ, आप जो कर्मयोग में थे, कर्मकांड करते थे, उसमें से आप निकल चुके हो, नाउ यू हैव कम टू मेडिटेशन, ध्यान योग में आ गए हो अपने आप, इसीलिए आप वो कर नहीं पा रहे, यू कैन नॉट डू इट, दैट मीन्स इट इज योर सोल हैज कम अप, सो फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी, एंड यू आर इन मेडिटेशन नाउ, दैट्स हाउ इट हैज हैपन। हॉस्पिटल में मैं ध्यान करता रहा एवरी डे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए मुझे ध्यान में। पहले ही दिन जब ध्यान किया तो आई सॉ वेरी वेरी डर्टी डर्टी थिंग्स कंप्लीटली, वेरी ब्लैक दैट इज गोइंग आउट, एंड
वो जो गाणगापुर के गुरु थे जिनको मैंने छोड़ा, आई सॉ हिम क्राइंग शाउटिंग एंड इट वॉज सो इंटेंस दैट लिटरली सॉ ऑल दिस थिंग्स। और वहाँ से निकल गया वो सब, पूरा निकल गया कम्प्लीटली। दैट वॉज ए ब्लैक मैजिक ही हैड डन ऑन मी कम्प्लीटली, सो दैट आई शुड नॉट लीव हिम।